दोस्तों, अलग अलग तरह के पौधों के बीच प्रयोग के जरिए हाइब्रिड पौधे बनाने के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब इंसानों और जानवरों के बीच भी कुछ ऐसा ही प्रयोग किया जा रहा है। जी हाँ, चीन दुनिया में अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए इंसान और चिंपैंजी की क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए एक नया जीव तैयार कर रहा है। दरअसल 1980 के दशक के समय में कुछ रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई थी कि चीन में 1967 में ह्यूमन और चिंपैंजी की क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई है, जिसमें एक फीमेल चिंपैंजी को ह्यूमन स्पर्म से प्रेग्नेंट कर दिया गया था, लेकिन प्रेग्नेंट के 3 महीने बाद फीमेल चिंपैंजी की मौत हो जाती है। लेकिन अब जानकारी मिली है कि चीनी सरकार इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर रही है और उनका टारगेट एक ऐसा जानवर पैदा करना है जिसके अंदर ताकत चिंपैंजी जैसी हो और वो इंसानों की तरह बोल सके। ये चाइना वाले भी ना कोरोना की वजह से 2020 और 21 को इतिहास के सबसे बुरे सालों में से एक बना ही दिया था, और अब क्या पता इनके नए एक्सपेरिमेंट की वजह से आने वाले सालों को भी 2020 और 21 की तरह बुरा बना दे।